the load. Don't give up, 'cause you are not alone. 'Cause I am always here to bring you home. You took a chance, you crossed the thin red line, and how every word can seem so unkind. Don't believe you'll ever lose it all, 'cause I am always here to bring you home. You make mistakes and hearts will break and tears will always fall. The world is turning, you are learning what matters most of all, that you are not alone. Now's your time, so go on, be free. Don't hold back, be all that you can be. If you fall, you don't fall alone, 'cause I am always here to bring you home. शांति जयंत दीदी, जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो बाबा तो उमंग उत्साह के जैसे स्वरूप थे, तो उनका बूढ़ा शरीर भी था लेकिन फिर भी, लेकिन बाबा ने कभी वो उमंग उत्साह नहीं खोया और हमेशा ही जैसे खुशी की लहर में रहते थे, बच्चों को सदा ही उमंग उत्साह बढ़ाया अपना, जैसे निंद्रा का त्याग किया, सेवा का सदा ही जैसे स्वरूप बने रहे। तो बस ऐसा लगता है उन्हीं के पदचिन्हों को हमें फॉलो करना है। थैंक यू सिस्टर जयंती, ओम शांति। अरुणबेन का बहुत बहुत धन्यवाद, समय का जो हमने बदलाव किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का आप लोग पहुंच गए, टीचर्स हैं अभी 1800 बहुत सीनियर टीचर्स आए हुए हैं ना शांतिवन में, हर एक के साथ 4-20-15 लोग भी आए हुए हैं, ज़्यादा भी लोग, जैसे आशा बहन के पास 100 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, उनके वहाँ रहने वाले, तो बहुत सीनियर जैसे भाई बहने आए हुए हैं वहाँ पे, और 1500 उनके साथ असिस्टेंट भी हैं, मीटिंग में तो नहीं थे वो लेकिन साथ में तो आए थे। तो मधुबन का जो एटमॉस्फेयर है बहुत हाई एनर्जी है, बहुत प्यार भरा मीटिंग, बहुत प्यार से जैसे भरी हुई थी, और सब सबके लिए एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट,
मुन्नी बहन का तो बहुत बड़ा दिल है, दादी प्रकाश मणि की तरह, तो ब्रेक हमारे ब्रेक के लिए इतना अच्छा अच्छा हमें ड्रिंक्स मिलते थे, फ्रूट्स भी मिलते थे। मधुबन में बड़ा बदलाव है, तो सुबह सुबह टोली के बजाय बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते थे, बहुत बड़ा बदलाव था। और शाम को भी बहुत कुछ सॉलिड जैसे शाम को भी मिलता था ऐसे। देखो आप इमेजिन करके देखो, इतने बड़े कारोबार को चलाना, बहुत सारे मधुबन की न्यूज़ शेयर करने के लिए। लेकिन हम पहले मुरली को देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। तो मुरली की जो कल जो सिचुएशन, कल जैसे बाबा जैसे कि ना माँ से, माँ के रूप में है बाबा, माँ के रूप में हमसे बोल रहे हैं, कितना जैसे कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिना शर्त का प्यार जो बाबा हमसे करते हैं माँ की तरह। बाबा छोटी छोटी बातें हमारी चेक कर रहे हैं, अब बाबा कह रहे हैं कि ठीक है जो कुछ भी है आपके मन में बता दो मुझे, मैं ठीक कर दूंगा उसको। तो बस मुझे माँ की ही जैसे याद है शुरुआत से ही, और बीच में भी मुरली के लास्ट तक भी यही बात जैसे लगी कि बाबा माँ की तरह है। तो बच्चों का जो मंगोत्साह है उसको देखकर बाबा कितने खुश हैं, पुराने भी हैं बाबा जो बहुत समय से बाबा के साथ हैं, तो उनके मन में एक शुभ इच्छा है कि हम बाबा के साथ मिल रहे हैं। लेकिन और बाबा के और अपना जो लक्ष्य है उसके पास आने की सबकी इच्छा है ना, जो पुराने हैं उनको भावना तो यही है कि जो जो इतना अच्छी जो गैदरिंग है उसको अनुभव करें, और कामना क्या है बाबा के करीब आने की। तो नए और बाहर तो बाबा ने कहे बाहर के ही एक रेफरेंस है, लेकिन जो अभी आए हैं वो भी पुरानी आत्माएं ही हैं ना, कल्प में पहली बार आए हैं, ये भी आत्माएं क्या है बहुत बार साइकिल में आ चुकी है ना, तो उनमें भी एक एक उच्च श्रेष्ठ भावना है कि वो उनके बाप समान बनने हैं फटाफट जल्दी से। और फिर पुराने वाले हैं जो बाबा के साथ बहुत समय से हैं, और उनको देखकर बाबा कहते हैं कि बाबा देख सकते हैं कि आपके अंदर वो एक प्योर एक इच्छा है कि हम जो कामना या फिर जो इच्छा है आपके अंदर कि जो कुछ आपने पालना ली है उसका हम रिटर्न करें और फिर गोल्डन एज में जाएं। और जब आप उमंग उत्साह में होते हो ना तो छोटी मोटी बातें फिर पीछे रह जाते हैं, सारे जो बंधन हैं सब पीछे रह जाते हैं। और कभी कभी होता क्या है बाबा का प्यार जब अनुभव करते हैं तब बहुत ही आसानी से उड़ सकते हो, और कभी कभी क्या होता है तो कभी कभी आपको वो अनुभव नहीं होता बाबा के प्यार का, और बहुत बड़ी बन जाती है हर बात, तो बहुत बड़ी बन जाती है कैसा लगता है पता नहीं क्या करेंगे। और फिर कभी कभी आप स्टक हो जाते हो, उलझ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर बाबा कहते हैं इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद करो कि बाबा का के दिल में आप रहते हो ना, बाबा के दिल में कितनी सुरक्षा है आपके लिए, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है, भगवान के दिल के बजाय अलावा कोई जगह नहीं आपके पास। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी बातें होते छोटी रूप से देखो उनको, बस देखो भगवान आपका साथी है, और बस आप उन सभी बंधनों से सबसे ऊपर चले जाओगे, अड़चनों से विघ्नों से। लेकिन आप उसी क्वालिटी को बार बार अनुभव नहीं करते क्योंकि थकावट होती है, और उस पल तो बाबा से आपको मदद लेने की इच्छा होती है, पता नहीं चलता कैसे मदद करें क्योंकि मदद लें बाबा से भी कन्फ्यूजन में हैं। और कभी कभी होता है कि आपके सामने दो बातें हैं, भगवान का प्यार इंसान का प्यार, आपको लगता है कैसे चूज करूं मैं कौन सा चूज करूं, फिर अपने आपको याद दिलवाते हो कि भगवान का जो प्रेम है वो कभी आपको नीचा नहीं करेगा, नीचा नहीं दिखाएगा,
मनुष्यों का तो आज प्यार है कल नहीं है, तो आप उसको तो नहीं चूज़ करोगे, भगवान के प्यार को ही चूज़ करोगे ना। उसमें भी आपको क्या करना है कि बाबा के साथ आप कनेक्टेड रहो, नहीं तो वो कन्फ्यूजन की स्टेट रहेगी आपकी। तो भगवान का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, लेकिन जो कनेक्शन आप रखते हो भगवान के साथ, तो पता चलेगा कि कौन से दिशा में हमें जाना है। तो बाबा हमें इस बात पर जोर देते हैं, जब जब एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जब कोई कमज़ोर होता है तो क्या होता है, एक ग्लास पानी का उठाना भी कितनी मेहनत लगती है उसको, वो भी नहीं उठा पाता है। और बहुत स्ट्रांग है, कोई ताकतवर है, तो पानी की दो दो बाल्टियाँ उठा सकता है, दो दो बाल्टियाँ, और दूसरा इंसान एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकता है। तो इसलिए बाबा का पॉइंट यही है, जब आप शक्तिशाली हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आप कमज़ोर हैं, जिसके बारे में सोचे जा रहे हो, आपके अंदर कमज़ोरी है, उनके बारे में सोचते रहते हो, तो उससे आपको उमंग उत्साह नहीं मिलेगा, उसको शक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए बस आपको पक्का करना है ये बात कि कन्फ्यूजन में नहीं आना है, और ना इन बातों के बारे में सोचना है। आपके आसपास बाबा का परिवार है, वो भी आपके फायदे के लिए है। बहुत सारी बातें कन्फ्यूजन के बारे में है, वो बात बाबा ने कहा, उड़ सकते हो नहीं उड़ सकते हो। दूसरी बात बाबा ने कही, जो जब कुछ अच्छा कुछ कर्म करना होता है, कुछ ज्ञान योग का कुछ है, तो उमंग उत्साह आता है, उनको सेवा करनी है तो उमंग उत्साह है, और जब होता है तो उस पर तो उस समय बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह का अनुभव होता है। तो जब जो ज्ञान देने के रोल में नहीं है, योग में कंडक्टिंग योगा इस प्रकार का जब नहीं कर रहे होते, तो उस समय क्या होता है, तो अपना उमंग उत्साह लोग खो देते हैं। और उस समय जो उमंग उत्साह है, बस रूटीन की बात जब होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उसको नेचुरल करना है, जो कुछ भी बाहर की बातें हैं, परिस्थितियां, चाहे आप सफाई कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बस याद करो किसके लिए आप कर रहे हो, आप भगवान के लिए कर रहे हो। तो इसीलिए उस स्मृति में आप अपना उमंग उत्साह रखते हो। ये मैंने पहले भी बाबा की ये स्टोरी आपको बताई है कि 9:30 बजे बाबा जैसे वो अनाज साफ कर रहे हैं, और सभी को लगा हम भी कर रहे हैं उस जैसे अनाज साफ बाबा के साथ। बाबा इतने प्यार से हलवा जैसे बनाते थे, जैसे हलवा बाबा बनाते थे, हलवा जैसे खा रहे बाबा, थोड़ा सा खाना, लेकिन तो मतलब एक ट्रे साफ कर रहे थे ना, तो उसके लिए कर कि एक ट्रे फिर दूसरी ट्रे, 15 मिनट के अंदर सारी कई कई बोरियां जो हैं वो गेहूं की जैसे तैयार हो गई, जैसे पीसने के लिए और हलवा बनाने के लिए अगले दिन सुबह सुबह। तो बाबा ने जैसे एक ट्रे शुरू की साफ करने की ट्रे में लेकर, और उसके बाद सभी ने शुरू कर दिया। तो बाबा का उमंग उत्साह था, ये को देख करके सब में उमंग उत्साह आ गया। यही मेरा पॉइंट है कि उस उमंग उत्साह में जो काम भी किया जा रहा है ना, बाबा ने ऐसे नहीं कहा ओ अरे इतना बड़ा अब तक ये बोरी साफ नहीं हुई है, कैसे करेंगे, क्या होगा, बहुत लेट हो गया, तो 9:30 बज गए रात के, पोस्टपोन कर देते, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बाबा ने देखा कैसे मौसम है, अगर सर्दी है तो बाबा ने कहा बच्चों को अच्छा अच्छा हलवा खिलाना है गरम गरम, इससे इनके शरीर में जैसे गर्मी भी आएगी, और ये प्यार भी था बाबा का,
और इतने प्यार से बनवाया कि जो अनाज साफ करना ये ऐसी जैसे कि ना ऐसी काम ऐसा काम करते रह करते रहो करते रहो कितने कितने कब तक भी करते रहो। लेकिन बाबा ने उसमें भी उमंग उत्साह भर दिया, आधे घंटे में सब कुछ करवा दिया क्योंकि सभी आ गए सहयोग की उंगली देने, क्योंकि बाबा ने किया इतना ज़्यादा उमंग उत्साह से बच्चों ने भी ऐसे ही किया। जैसे कोई एक आया था बाबा को मारने के लिए, बाबा कपड़े धो रहे थे उस समय और बाबा ने देखा कि बाबा ये कोई आया है, बाबा जानते थे कि इसकी क्या मंशा है ठीक नहीं है, बाबा उससे मिले लेकिन बाबा उससे मिले तो बहुत उमंग उत्साह से बाबा ने सब चीज़ें हैंडल की। जो कुछ भी आप करो बहुत प्यार और उमंग उत्साह से करो, उस ऊर्जा से उस खुशी से करो तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर बाबा ने बात की को दूसरी भाषा आ रही, बाबा ने कहा बच्चे कैसे बोर हो जाते हैं। और बाबा का सॉल्यूशन बहुत प्यारा था। बाबा ने क्या कहा, जब आप बोर हो जाते हो तो, और मुझे उसको बिंदु को याद करना है, बाबा बिंदु को याद करना है तो बोर ही हो जाओगे ना फिर आप। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा कि नहीं कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, सभी प्राप्तियों का बाबा के साथ जो है उसका अनुभव करो, प्रयोग करो, जो कुछ गुण आपको बाबा से मिले हैं उसका प्रयोग करो, जो संबंध आपको बाबा से प्राप्त हुए उनका अनुभव करो। तो अपने मन को बिजी रखो, मन को ऐसे फ्री मत करो, खाली मत डल मत होने दो, तो उसको हमेशा बिजी रखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों से, मंग उत्साह से। हाँ आप सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो लेकिन साक्षी भी हो अंदर से, ताकि बाहर की कोई भी चीज़ आपको प्रभावित ना करे। और बाबा कह रहे हैं जब आप मुरली पढ़ते हो तो सिर्फ ऐसा मत समझो कि मुझे बिंदु बनना है, बिंदु बाबा में याद दिलवा रहे मुरली में, जीरो और हीरो के बारे में बाबा कह रहे हैं, तो बस हीरो बन जाओ, जो कुछ कर सकते हो पूरे, आपने तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है पूरे साइकिल में, अभी क्या कर सकते हो, बस अभी आप फिर से हीरो बनो और बस आपका रोल ब्रह्मा बाबा के साथ आप हीरो पार्ट प्ले कर रहे हो पूरे साइकिल में ना, पूरे चक्र में। ब्रह्मा बाबा से स्पेशल जो प्यार है उसको याद करो, याद करो आपका रोल को याद करो ब्रह्मा बाबा के साथ, कि सुंदरी पाठ हम क्रिएट करें संगम युग में जो हो रहा है उसका, हम जैसे एक सुंदर पाठ प्ले करें। और करना क्या है कि आप सिर्फ सोचो कि कैसे ब्रह्मा बाबा के साथ हमने क्या रोल प्ले किया पूरे कल्प, कैसे कल्प के अंत में बाबा ने आपको ढूंढ लिया, कैसे मिले हम, बहुत सारी बातों के बारे में सोचो। सिर्फ मनुष्यों के बारे में मत सोचो, भगवान के बारे में सोचो, भगवान के ज्ञान के बारे में सोचो, भगवान की क्वालिटीज़ और गुणों के बारे में, मनुष्यों के बारे में नहीं सोचो आप। तो इससे आपके अंदर वो शक्ति डेवलप होगी, तो आप सब कुछ फेस कर पाओगे और प्रेम से सब कुछ करोगे, शक्ति से सब कुछ करोगे। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो किसी डलनेस और जो है ना ये जो मंग उत्साह की कमी से इससे ऊपर उठने की हमें युक्ति बाबा बता रहे हैं कि प्यार और खुशी से सब कुछ करना है तो उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसलिए फिर बाबा बात कर रहे हैं आगे कैसे हर कोई प्रेम में तो सबके पूरे मार्क्स हैं,
बाबा ने बहुत बहुत बार ये बात बताई, लेकिन फिर से एक याद करवाया बाबा ने, हाँ आप सभी के प्रेम में पूरे मार्क्स हैं, नंबर हैं, लेकिन अभी आपको आपको सेफ भी रहने के लिए बाबा ने, ताकि माया तुमको कैच ना कर पाए। अगर अगर आप छत्र छाया में रहोगे बाबा के, बाबा के दिल के अंदर रहोगे, तो माया आपको नहीं पहुंच पाएगी आपके पास। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? अगर मैं भगवान के प्यार का अनुभव कर रही हूँ तो हर चीज़ जो है छोटी हो जाती है, सेकेंडरी बन जाती है। और मैं खुद को कहूँ कि बाबा ये सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन इस पल मैं अपना समय बाबा के साथ बिताना चाहती हूँ, ताकि मेरा जो मंग उत्साह है उसको मुझे रिन्यू करना है, प्रेम को रिन्यू करना है। और दूसरी चीज़ बाबा ने देखी, बाबा ने देखा बच्चे बहुत सच्चे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं जो जो विदेशी बच्चे हैं बहुत तैयार हैं, जैसे ना जो कुछ उनके मन में है, जो कुछ है वो शेयर कर देते हैं, और कुछ हैं जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन कुछ हैं जो जो एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, अपना ही कुछ शुरू करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, एक बस उस उमंग जो सुरक्षा की जो छत्र छाया के नीचे रहो, और जब आप बाबा के दिल में आप बैठे हो तो माया आपको करीब भी नहीं आ सकती आपके। माया देखती है अरे बाबा आप तो भगवान के साथ हो, तो उस पल कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। उस बाउंड्री से बाहर कदम मत रखो, जो लिमिट जो बाबा ने दी है ना उसके अंदर रहो, बस एक की याद में रहो और उससे आप सेफ रहोगे। तो बहुत प्यारी मुरली है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने मेंशन नहीं की हैं, लेकिन ये समरी है मुरली की, कल की समय मुरली थी। बहुत सारा प्यार बाबा ने दिया, बाबा ने कहा बच्चे कितने सेंसिटिव भी हैं, बहुत कभी कभी बहुत सच्चे हैं, लेकिन कभी कभी इतने सच्चे हैं कि वो तो उससे डील भी नहीं कर पाते, बार बार में भी चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। तो हम आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो आप सभी बच्चे जो हैं शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के आप बच्चे हो, तो बाबा आप चाहते हैं आप सभी जो है वो प्रोग्रेस करें। तो बाबा अपना प्यार सपोर्ट सहारा हमें दे रहे हैं। और बाबा ने बात की कैसे कभी कभी आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हो कि इस तरफ या ऐसे करो, ये करूं क्या वो करूं, तो बस आपको बस रुक जाना है, साइलेंट हो जाना है, अपने मन को थोड़ा शांत करो, फिर बाबा का सिग्नल आपको मिलेगा जिससे आपको मदद मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी क्या करना है। तो कन्फ्यूजन नहीं आओ, कन्फ्यूजन में नहीं रहो लंबे समय तक, जो आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देगा। और सेंसिटिव नहीं बनना, विम्सिकल बाबा ने यूज़ किया, विम्सिकल मतलब बार बार में जैसे होते ना सेंसिटिव, वहमी जैसे हो जाते हैं लोग, बार बार में वही बातें बोलते रहते हैं, एक ही कमी के बारे में बात करते रहे, बात सुन सोचते रहते सोचते रहते, तो ऐसा मत करो। बाबा को बताओ, बाबा को जानने दो वो बात, और फिर बस बाबा पे छोड़ दो, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो और हम क्या करते हैं, बाबा कहते हैं हम उसी कमी के बारे में, कमज़ोरी के बारे में सोचते रहते, बाबा ने बाबा को दे देना आपने, फिर क्यों पकड़ के बैठे हो ये मेरी है मेरी है, नहीं बस उसको छोड़ दो अभी आप, तो आप फ्री हो फिर उसके बाद ना। आप जानते हो कि मैं और भगवान और बस मेरे कर्म है जिसमें इन्वॉल्व है, मैं भगवान और मेरे कर्म, और कोई का कोई रोल नहीं है उसमें। विम्सिकल नहीं बनना, वहमी नहीं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं बनो, बार बार में मत सोचो उस बारे में। और फिर बाबा ने कहा एक कमेंट कि बाबा ने कही कि बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं,
लेकिन कभी कभी आप कहते हो कि बाबा सक्सेस तो नहीं है, सफलता तो मिलती नहीं है, जैसे कि बाबा को ब्लेम करते हैं बच्चे कि बाबा कहते हैं शांत रहो और बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान का कार्य है ना, आपका काम नहीं है ये, कि मैं बस वो करूं जो मैं कर सकती हूं, बस उसके मैं बीज बोती चलूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने किया नहीं। तो नाजुकता से आ जाती है जब आत्मा उस पल कहती है कि देखो मैंने कितना कुछ किया, लेकिन कोई तो सफलता दिख नहीं रही है। किसने किया? आपने तो कुछ नहीं किया, मैं ही हूँ जो करता हूँ, बाबा कह रहे हैं ना, मैं ही करता हूँ। और फिर तो ये हमें एक तरह से एहसास होता है कि नहीं, मैं नहीं भगवान, मैं वो करूँ जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ, मैं बीज बोऊँ, और फिर क्या मैं सूरज को कंट्रोल कर सकती हूँ, लाइट को या फिर हवा को, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे लिए कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। तो बस कि इस चीज़ को, इस आइडिया को जाने दो, मैंने किया, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं इसको जाने दो। और फिर बहुत प्यारी मुरली है, बहुत प्यारी लविंग केयरिंग बाबा की मुरली है, बाबा हमें याद दिला रही सब कुछ कि कौन है हम, और भगवान हमारे साथ कौन है, कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं। थैंक यू जयंती दीदी। वो क्लेवरनेस के ऊपर बाबा ने कहा, चतुराई पे कहा ना, क्लेवर नहीं करो, चतुर मत बनो, होशियार मत बनो, कि आप चीज़ें अपने बेनिफिट के लिए चाहते हो तो अपने मतलब की बातें तो याद रखते हो। तो दीदी आप कि ज़्यादा होशियार है, ये बहुत प्यारा पैसेज था बाबा कल्चर के बारे में, बाबा ने कहा, बाबा कहते ना कभी कभी ये इंडियन लोग कहते ना इंडियन कल्चर है या फिर कुछ और, कुछ चीज़ें मुझे पसंद है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद हैं, बाबा कहते नहीं, ये ब्राह्मण कल्चर है। अब ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो, ये लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट किया है, तो कभी कभी आप बोर हो जाते हो, कभी आप कलर क्लोथ पहनना चाहते हो, बाबा कहते आप काम पे जाते हो ठीक है, तो ज़रूर तो नॉर्मल क्लोथ पहनो ना, वो तो ठीक बात है, लेकिन तो उसको कल्चर के बारे में सोचो, पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोचो, क्योंकि ज़रूरत है इसलिए आप कर रहे हो, ना कि आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए। कभी कभी आप जस्टिफाई करते हो अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने निमित्त टीचर को, बाबा ने कहा है कि मैं पहन सकते हैं, लेकिन आप किस बारे में कहा गया था वो भूल जाते हो, तो अपने टीचर के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं। तो आप ढूंढते हो अच्छी चीज़ें, अपने मतलब की निकाल लेते हो मुरली से, कुछ चीज़ें कुछ शब्द हमने चुन लिए और अपने टीचर को बताने लग जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा होशियार बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा मत करो, एक लिमिट में ही करो हर चीज़, क्लेवर तो होशियार तो बनो लेकिन अपनी लिमिट में रहो ना, हाँ खाओ पियो एंजॉय करो लेकिन लिमिट में, एक बाउंड्री से। तो आप उस बाउंड्री को सुकमत आप पार करो, जैसे कभी कभी होता है ड्रामा में कि ड्रामा को हम ना जैसे बचने का तरीका बना लेते हैं कि होता है ऐसा होता है ड्रामा में ऐसा होता है, लेकिन उस अपनी गलती का एहसास करने के बजाय जो मैंने की है कि मैं इसे ठीक करूं, बस ये थॉट बस क्रिएट कर देना, ड्रामा है नहीं, अगर मैं इसको ऐसे ही ख़त्म कर देती हूँ तो मैं बार बार में वो गलती रिपीट करूँगी ना, क्योंकि मैंने ड्रामा कह के छोड़ दिया। लेकिन जब मैं रुक जाऊँ और रियलाइज़ करूँ, एहसास करूँ, ज़्यादा होशियार ना बनूँ और नम्रता लेकर आऊँ, तो मुझे मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, तो मैं ड्रामा को मैं अपना बचने का तरीका नहीं बनाऊँगी, नहीं कि हाँ मैंने की है ये गलती,
तो मैंने ड्रामा बनाया ना, ड्रामा अपने आप तो बना नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा होशियार बन जाते हैं। तो वो बाबा कहते हैं ऐसा मत करो। थैंक यू जयंती दीदी। एक हफ्ते के दौरान किसी ने एक सवाल भेजा था कल्चर से संबंधित, इंसान कह रहा है कि हम कल्चर में नहीं होने चाहिए। बाबा कहते ना किसी भी कल्चर में नहीं होना चाहिए, लेकिन कि जब वेस्टर्नर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस इंसान ने कहा है कि हम इंडियन कल्चर देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रेशन जो होते हैं ना इंडियन कल्चर ही दिखते हैं हमें, तो डेकोरेशन, लोग क्राउन जैसे पहनाते हैं, ये ताज वगैरह पहनाते, कल्चर इंडियन कल्चर ही दिखता है। मैं कहूँगी कि भारत में जब आप हो, सारे भारतवासी पॉपुलेशन है, जनसंख्या तो वही करते हैं नेचुरल तरीके से, जो होता है, जो आसान है करना वही तो करेंगे ना। कितना खाना बनाना पड़ता है, कितने हज़ारों के लिए बनाना पड़ता है, कितनी उनकी देखभाल करना, कितने अच्छे तरीके से, तो वो कल्चर है उनकी, मेजॉरिटी वही है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिंपल बनाओ, नहीं, सेलिब्रेशन है तो हम कल चेंज करने की, नहीं आप माला मत पहनाओ, ताज मत पहनाओ, नहीं, मेजॉरिटी में वो लोग हैं तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। जब हम करते हैं जिस तरह से हम पसंद करते हैं, हाँ वो भी ठीक है। जब आप मिडल ईस्ट में करते हो, चाहे यूके में करते हो, जहाँ भी आप करते हो अपनी सेलिब्रेशन अपने तरीके से कर, तो आप कल्चर के अनुसार भी करते हो ना आप, तो फिर सिर्फ ब्राह्मण कल्चर तो नहीं करते ना आप भी, तो जहाँ पे उस कल्चर के हिसाब से ही करते हो। तो इंडिया में तो मेजॉरिटी क्या है, इंडियन है, तो उस हिसाब से इंडियन कल्चर के हिसाब से किया जाता है सब कुछ। थैंक यू दीदी। बहुत समय से हमने बात नहीं की, धर्मराज के बारे में बात नहीं की दीदी, जो वेटिंग इन लाइन का ना, और लाइन में कि आप कि सीधा जाना है कि लाइन में वेट करने, आप डराना मत दीदी हमें, लेकिन थोड़ा बता दो, थोड़ा हमें इंस्पायर करो, थोड़ा प्रेरणा दो। हाँ तो बस धर्मराज को अपना दोस्त बना लो, धर्मराज का अच्छा संबंध है आपका प्यारा, तो डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसका अर्थ है गुड नाइट करो उसको भी गुड नाइट करो धर्मराज को, कि ठीक है जो पूरा दिन किया उसको भी गुड नाइट कर दो, ठीक है, पूरा दिन जो हुआ तो उससे क्या होगा, आप सेटल कर पाओगे आप चीज़ों के, तो आप तो लास्ट में धर्मराज को बाय बाय करना, बाय मैं जा रही हूँ धर्मराज, जैसे बाबा कहते ना बस अभी उड़ने का समय है, तो नीचे पीछे मत रह जाओ, बस बाबा के साथ उड़ जाना है। धर्मराज के जो ट्रांसलेशन का हम कहते हैं सुप्रीम जज, तो उस बारे में कहा गया है, लेकिन धर्म मीन्स राज, जहाँ धर्म का राज है, जो धर्म का राज है, अच्छाई का, सच्चाई का, जहाँ राज कि जो फिल्टर हो, जो सही है वही आगे जाएगा, जो किंगडम के लिए, जो राज के लिए जो सही है वही जाना चाहिए। तो हर 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 किसी को वहाँ रुकना पड़ता है उस फिल्टर में, लेकिन मैं देखती हूँ तो ये जैसे आईना है, जो हमारे लिए जैसे बाबा ने को आईना पकड़ा हुआ है कि देखो जब धर्मराज के सामने जाते हैं तो आपको जो कुछ किया है आपने कॉपर एज से लेकर द्वापर युग से लेकर अब तक का जो कुछ किया वो सब आपके सामने आता है। बहुत लंबा समय नहीं होगा वो, बहुत बहुत स्पीड से सब कुछ होगा, लेकिन जो हाइलाइटेड होंगी जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो कुछ हमने किया है, और फिर और देखो ये इसका परिणाम है,
इसका अर्थ है उस पल हम बाबा को फेस करें, एक्सक्यूज ना रहे कोई भी। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इस कारण, क्योंकि इसके कारण, जो बस सारे के सारे बहानेबाजी छूट चुके होंगे उस समय, और मैं फेस टू फेस हूँ, मैं आमने सामने हूँ अभी जो सच्चाई के, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। उस पल से मुझे क्या करना होगा? तो इसीलिए तो वो जो पश्चाताप है, जो एहसास है कि छोड़ दो लटिंगों का, तो बाबा के सामने होगा। तो धर्मराज के रोल में जब बाबा होंगे तब होगा। धर्मराज के सामने नहीं रहो बस। और ये रियलाइजेशन, जो आज जो एहसास करने की ज़रूरत है वो करो ना, और बदलाव लेकर आओ, ताकि आपको नहीं, जैसे जैसे कि सेंसिटिविटी के बारे में कुछ कुछ एकदम से खराब खराब नहीं सोचते रहो कि मैंने क्या किया, क्यों मैंने ऐसा किया, क्या मैं इसको ठीक कैसे ठीक कर सकती हूँ। हाँ, तो आज तो वो एहसास जब आज हम करेंगे सेंसिटिविटी के बिना, तो सिर्फ वो एहसास, मैं कह सकती हूँ कि धर्मराज बस मेरा फ्रेंड है फिर तो ना, क्योंकि हम सब चीज़ें ठीक कर लेंगे। तो जयंती दीदी, धर्मराज जो है वो तो बाबा का ही एक फॉर्म है ना, बाबा का ही रूप है क्या? कि बाबा का ही बहुत प्योर पावरफुल फॉर्म है क्या धर्मराज? जैसे एक सफेद कपड़ा जो है उसके हमें सारे दाग जैसे दिखाई देते हैं, जैसे अभी आप किसी ने पूछा है, कोई कार्मिक अकाउंट था कि 2-3 साल पहले किसी के साथ, और अभी उनके मन में फिर से आ रहा है, तो बाबा के साथ जैसे जुड़ने में बहुत बहुत चीज़, वो चीज़ें अड़चन बन रही है, कुछ याद आ रहा है किसी को मन में बार बार में, कैसे इस चीज़ को अकाउंट्स को ख़त्म करें? बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया इस मुरली में। बाबा ने कहा है, बाबा को अच्छी बिल्कुल सच्चाई से दे दो, आप एहसास करो, आप बदलाव लेकर आओ और बाबा को दे दो। बाबा मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया मेरा, मुझे ये सब नहीं चाहिए बाबा। अगर उसी को हम सोचते रहें और उस याददाश्त को हम बार बार में अपने मन में लाते रहें, और फिर और मेरे मन को और अपने आप पे दया करते रहे, मैं बेचारा बनती में जैसे, तो उसको मैं अगर एनर्जी दूंगी तो क्या होगा, बस वो तो रहेगी सदा। तो बाबा कह रहे नहीं, इसको मुझे दे दो, आपका नहीं है। अगर थोड़ा सा भी संकल्प ऐसा आता है, दे दो बाबा, ये आपका, हमें नहीं चाहिए बाबा। तो बस आपको अपने स्वयं पर काम करना है और सीखना है कैसे चीज़ों को लेट गो करें, कि जैसे कि हमने पकड़ के रखा है चीज़ों को और हम गए बाबा आज़ाद करो आज़ाद करो, नहीं, मुझे अपने आप को छुड़ाना होगा। और फिर क्या होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगी ना चीज़, अब मेरे मन में मैं इमर्ज करती रहूँ और वो फिनिश नहीं होगी। फिर जैसे विचार आता है, फिनिश करो, फुल स्टॉप लगाओ, नहीं उसमें वापस बार बार में नहीं सोचो। तो ये प्रैक्टिस करो इन चीज़ों को, यही बातें हैं जो बाबा कह रहे हैं, कि बाबा आपको मदद दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, लेकिन शक्ति देने के लेने के बजाय हम क्या करते हैं, चीज़ों पास्ट की बातों को प्रेजेंट की बातों में फंसते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करो, आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको आगे बढ़ना है तो ये तरीका है। थैंक यू जयंती दीदी। ये कुछ सवाल हैं दीदी, एक किसी ने पूछा है ग्लास में कुछ भी
कुछ भी डालो ना तो उसमें थोड़े ग्लास में चाय है या क्या डर्ट है कुछ भी है, डायमंड है, ग्लास में कुछ भी डालो। ऐसा कह रहे हैं कि एक तरीके से कि सोल तो जैसे आत्मा तो जैसे इम्यून है ना, मतलब लेप शिप से न्यारी है। हम आत्मा को प्योर कर रहे हैं, हम आत्मा को प्योरीफाई कर रहे हैं संस्कारों को। अगर आत्मा मतलब अगर हम संस्कार कहाँ हैं, आत्मा में तो है ना, तो आत्मा की परिभाषा ही क्या है, मन बुद्धि संस्कार ना, बाबा की मुरलियों की परिभाषा है। तो संस्कार तो आपके साथ जा रहे हैं ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, वो तो कर्मा है, आप साथ साथ लेके जा रहे हैं, तो आपके संस्कारों में है वो सब कुछ, तो इस तरह से वो रिकॉर्ड होती है। तो इसीलिए पहला कदम, तो आत्मा तो सदा ही प्योर ऐसे नहीं है ना, तो वो तो सन्यासियों का आइडिया है ना, मुरली में कुछ दिन पहले आया था कि क्यों सत्युग में क्यों नहीं करते वो जाने का पुरुषार्थ, क्योंकि वो समझते नहीं हैं कि आत्मा भी क्या है, वो भगवान को नहीं जानते, बस ब्रह्म एलिमेंट में वो मर्ज होना चाहते हैं ना। तो वो पवित्रता पावन बनने का सारा जो तरीका है वो आत्मा का है और संस्कार का, दोनों को ही प्योरीफाई करना है ना हमें, दोनों ही साथ साथ हैं, एक से एक अलग नहीं है। तो इसीलिए जब आप ऐसे एक तरह से एक उपमा देते हो कि जैसे कि किसी की उपमा देते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है ना, कहाँ तक आप दे सकते हो। बुद्धि का सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैं अपने डाइट को क्लीन रखूं, मेरी बुद्धि साफ रहेगी, मेरी मैं अल्कोहल वगैरह पीऊँ मेरी बुद्धि को क्या होगा, ज़्यादा पीऊँ तो क्या होगा, लिमिट को हम तो फिर क्या होगा, और उसके और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, फाइन भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ ख़राब चीज़ें हो सकती हैं जो मैं खाती हूँ पीती हूँ, जो मेरी बुद्धि को प्रभावित करता है वो चीज़, और मेरी जो बुद्धि जो है आत्मा का ही पार्ट है ना। तो हम देख सकते हैं बाहर की चीज़ों में कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, संस्कारों को प्रभावित करते हैं। तो मुझे आज सब कुछ क्लीन करना है, मेरे मन को क्लीन करना है, मुरली पढ़ूं, रिवाइज करूं, उस पर चिंतन करूं, मेरी बुद्धि को साफ रखूं, ताकि जो कंटेनर जब साफ है, बर्तन साफ है, तो मेरे जो निर्णय करने की या फिर कहेंगे परखने की जो शक्ति है वो सही रहेगी, मेरा चित्त जो है वो साफ रहे, तो मैं कुछ देखूं, तो ऐसा नहीं कि जो मेरे पीछे से कुछ याद मुझे कुछ आ जाए, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, मेरे चित्त को मैंने साफ कर लिया ना, तो कुछ देखो तो पुराना कुछ याद नहीं आना चाहिए मुझे, तो मैं उसको इस बहुत क्लियर विजन से देखूं कि भगवान का बच्चा है ना, कि कुछ पुराना याद करके उसको देखूं मैं नहीं। तो प्रतिदिन का जो पुरुषार्थ है वो यही है कि मन को चेंज करना, बुद्धि को चेंज करना, आत्मा को चेंज करना, और फिर संस्कार भी कि बहुत रिपीटेड गुड कर्म, अच्छे कर्म बार बार में करना, और योग से हम पुराने बातों का सेटलमेंट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए बाबा ये दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, 8 घंटे योग की जो बाबा बात करते हैं ना, बार बार में मुरली में बात आ रही है, बहुत ज़्यादा योग की ज़रूरत है आत्मा को और अपने अपने संस्कारों को बदलने के लिए। जो संस्कार हैं कलयुग के, जो द्वापर युग से आयरन एज में जो कलयुग के जो, ताकि वो संस्कार ऊपर ना आए और योग की ज्वाला में वो जल जाएं, भस्म हो जाएं, और ताकि पूरा आधा कल्प वो हमेशा के लिए दब जाएं। थैंक यू जयंत जी। दूसरा एक सवाल था, लव ऑफ द इंटेलेक्ट क्या, बुद्धि का प्यार क्या है, बाबा हृदय के प्यार का और बुद्धि के प्यार की बाबा बात करते हैं।
गीता में जो बात आती है ना कि जो जो जैसे भगवान से जिसका प्रेम है ना वो जीतते हैं, उनको विजय प्राप्त होती है. अव्यक्त मुरली में ये बात आती है ना कि जिस कि बुद्धि से जैसे मैंने बाबा को पहचाना है उसको हमने छोड़ने वाले, तो प्रेम जो है बुद्धि का जो प्रेम जो है बुद्धि का वो एक अलग है, लेकिन जो हृदय का जो है बस वो एक बस भगवान की मैं बन गई. बुद्धि का प्यार क्या होता है कि वो कि ज्ञान के आधार पर है, मैंने सुना है बाबा का ज्ञान, बाबा के साथ मेरा प्यार हो गया ब्रह्म बाबा के द्वारा, बाबा की मुरलियों के द्वारा, और फिर हाँ जो सिचुएशन जब आती है तो मैं उनके साथ डील करती हूँ, बुद्धि के प्यार के द्वारा मैं डील करती हूँ. लेकिन अगर सिर्फ मेरी भावना है, प्रेम प्रेम है दिल का, बुद्धि का जो प्यार है कि सिर्फ एक की तरफ, दूसरे इंसान की तरफ नहीं जाएगा वो, किसी बाहरी किसी की तरफ नहीं जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए ये होना चाहिए मेरे पास ये होना चाहिए, नहीं. बुद्धि जो है समझ गई है कि भगवान ही है जो सर्वशक्तिवान है, कि सभी गुणों का सागर वही है, तो और किसी में मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं. अभी बुद्धि बिल्कुल स्टेबल है, जैसे स्थित प्रज्ञ. और फिर क्या होता है, निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाते हैं. बाबा कहते हैं ना प्रीत बुद्धि विजयंती, बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि विजयंती, बहुत प्यारी एक्सप्रेशन है. निश्चय बुद्धि है और निप्रीत बुद्धि है, ये क्या है गीता में जो बात है वो बताई दीदी ने. जब जब समर में जाते हैं ना, जब गर्मियों में जाते हैं मटका खरीदने, तो कहते हैं कि किसी पता चल जाएगा, सो उसको नॉक नॉक करके खटखटा के देखते हैं ना कि भाई कि जब आप उसको मटके को ऐसे थोड़ा कट अपनी उंगली से जैसे खटखटाते ना, पता चल जाता है आवाज़ से कि अगर होल है उसके अंदर कोई छेद है कि नहीं है. आप वैसे देख नहीं सकते आप, लेकिन आपको नॉक करने से समझ में अलग आवाज़ आएगी. तो जो बुद्धि जो है जो क्लीन है साफ है, तो ज्ञान उसके अंदर रहेगा और वो ज्ञान जो है वो आपकी गाइडिंग लाइट बनेगी. थैंक यू जयंती दीदी, बहुत प्यारा बताया. एक सवाल और था दीदी संस्कार से संबंधित. इसने कहा एक अक्सर हमें किसी के साथ कोई गलती है, मतलब जैसे मुश्किल है किसी के साथ, अटैचमेंट है मोह है, उसको अवॉइड करें क्या, उसको अवॉइड करें. कि जैसे कि दूर दूर होना सही तरीका है क्या किसी से, ये खाने से जो आपको पास अटैचमेंट है, इंसान से अटैचमेंट, उससे दूर होना क्या सही तरीका है क्या. हाँ, ये टेम्प्रेरी के लिए ठीक है, कुछ पलों के लिए कि आप अपने आप को चांस दे रहे हो रिकवर करने के लिए, तो उस पैटर्न को उस व्यवहार के जो पैटर्न है उसको चेंज करने का आप समय आप अपने आप को दे रहे हो. कोई है कि उसकी कंपनी में अपने को समय बिताना है, समय उनके साथ बिताने का दिल कर रहा है, फिर हम कहते हैं नहीं हाँ मैंने कितना कुछ सीखा, कितना अच्छा था ये, कितना पावरफुल था, हमने बहुत सारे जस्टिफाई कर देते हैं. लेकिन असल में कि मुझे इच्छा है उसके साथ समय बिताने की, अगर मैं अपने आप को वो इसमें समय बिताती रहूँगी, अपने आप को बताती रहूँगी, तो अटैचमेंट मोह बढ़ता जाएगा. तो हमने तो हमने उसको डेल तो नहीं किया, उसके साथ हमने ठीक तो नहीं किया उस संस्कार को, कि हमें पता है कि उसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे मिलने की ज़रूरत है, उनका टाइम टेबल क्या है, मेरा टाइम टेबल क्या है. तो मुझे पक्का करना है कि मेरा टाइम टेबल उनसे अलग होना चाहिए, ताकि मैं एक्स्ट्रा समय हम इंसान को नहीं दे रहे हैं, ताकि वो इंसान वहाँ तो मैं भी वहीं पर जाऊँ, नहीं. तो अपने आप को थोड़ा स्पेस दो, ताकि आपके पास चांस है
अपने भगवान के साथ आप कनेक्शन जोड़ो, इंसान के साथ बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना करे। और हाँ, और एक महीने के बाद अपने आप से पूछो फिर से सवाल, कैसा हुआ, कैसा किया मैंने, तो आपको पता चल, अपने साथ बिल्कुल सच्चे रहना है और उससे आपको पता चलेगा। हाँ, तो बहुत एक अवेयरनेस आएगी, जागृति आएगी क्या करने की ज़रूरत है, फिर हम आगे जाएंगे। नहीं तो लेकिन बस ये एडिक्शन की लत पड़ जाएगी आपको, फिर तो उसके इंसान तो आप ठीक ही नहीं कर पाएंगे, वो तो होगा नहीं फिर कभी भी। तो टेम्परेरी तो ठीक है लेकिन परमानेंट नहीं, जब तक आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते हो। और उसके बाद तो आप देखो कहाँ तक आपने अपने आप को चेंज किया, फिर आप चेक करो खुद को। दूसरा सवाल है दीदी, मधुबन में लोग जाते हैं और दीदी बहुत कुछ लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि कहते उनको प्यार महसूस नहीं करता, प्यार महसूस नहीं होता मधुबन, दादीज भी नहीं हैं, जो कुछ है जो पहले था वो, कि जो पालना नहीं मिलती, मैं क्या करें दीदी, आपका क्या आंसर है दीदी इसके लिए? मैं कहूँगी जो मैंने कितने लोगों से मिली हूँ, 100 से ज़्यादा, किसी ने ऐसा नहीं कहा मुझे, तो कुछ पुराने कहते हाँ दादियों को मिस कर रहे हैं कि लेकिन हम पुरुषार्थ करना पड़ रहा है अभी उनको अनुभव करने के लिए। 350 लास्ट ग्रुप में 350 लोग थे, मैं ये नहीं कहूँगी 350 से मैं मिली, कुछ से मैं मिली, लेकिन उसके पहले भी बहुत लोगों से, पहले भी ग्रुप से मिली। सो जनरल लोग ये कहते हैं कि आपको अपना एफर्ट बनाना करना पड़ता है, मधुबन से बेनिफिट लेने के लिए आपको पुरुषार्थ करने पड़ेगा ना। मधुबन का तो आज भी वही माहौल है, सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कुछ आपको चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, मधुबन का तो वही एटमॉस्फेयर है। हाँ, तो हमेशा ही थोड़ी आपको जैसे स्पून फेड मिलेगी कि दादी हैं वहाँ पे, कि दादी आपको याद करेगी मुरली में, वो सब तो अगर उससे आपको सपोर्ट मिल रहा था तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है, तो बड़ा होने का तरीका एक सिग्नल है, ये बड़े हो जाओ भी आप। जो कुछ आपको मिला है नए होगा तो कुछ भी नहीं मिला, नए तो कंप्लेन कर ही नहीं रहे दादियों से हमने मिले, बहुतों को जैसे नए भी कोई बहुत सारा नशा चढ़ा हुआ है। एक ने तो ये कहा जूम से जिस पैदा हुआ है जूम बेबी, सब जगह जूम बेबीज, मधुबन में वो आए पहली बार और ज्ञान लिया और देखो 7 डेज कोर्स लॉकडाउन के दौरान, और अभी वो सिर्फ मधुबन सेंटर पे आ पाए कुछ पल कुछ दिनों के लिए। और जूम वाले तो बहुत ज़्यादा नशे में थे, मधुबन में जब वो आए तो मुझे लगता है कि पुरानों की जो समझे नहीं हैं कि अभी वो बड़े हो गए हैं, सीनियर हो गए, अभी सीनियर टाइटल उसकी बात नहीं करो, टीचर वीचर की नहीं, अगर मैंने पालना ली है दादियों से, हाँ मैं सीनियर हूँ। जो नए नए आए ना, कितने मैंने पालना ली है, तो अब नए नए को पालना देना मेरी ड्यूटी है, अभी मेरी वो सेवा है, वो कंपनी वो सेवा मेरी है। तो बहुतों से आप पूछो और सभी कहेगा, अलग अलग रिस्पॉन्स देगा, लेकिन ज़्यादातर यही कहते हैं कि बहुत फ़ायदा लिया लोगों ने। और हाँ कुछ थे हेल्थ के कारण या किसी भी कई कई कारणों से ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है, ये सिग्नल है, ये एक इशारा है, कल्पकांत है ना। जब दादी मधुबन में आती थी उनके पास तो सिर्फ मधु बाबा के लिए आती थी ना, वो कोई क्लास भी नहीं थी उस समय, तो दादियाँ जब आती थी 1968 में सब क्लासेस शुरू हुई थी ना, कि पूरा दिन कुछ ब्रह्मा बाबा के जाने से कुछ महीने पहले सब शुरू हुआ था, तो बाबा ने क्या बताया उनको, जब मधुबन में जब आओ भट्टी करो,
अपने आप को भट्टे में डालो और फ़ायदा लो, हर एक चीज़ का फ़ायदा लो जो मधुबन में है। और हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कुछ दादियों ने वो जिम्मेवारी ली, दी दिया, सबको देती रही। और आज तो वो जिस उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है कि दादियों से, बाबा से मुझे कितना कुछ मिला है, सिर्फ एक दादी से नहीं, मुझे सबसे मिला है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ औरों को मैं बाबा के क्लोज लाने में, बाबा को जैसे सबके करीब लाने में, जो शिक्षाएं उनसे ली, मैं उनको कैसे सबको दूँ। और आपको पता, उन सबके शिक्षाओं के सारे अवेलेबल है मटेरियल यूट्यूब पे, इस पे। बस आप समझना है कि मधुबन एयरपोर्ट है, तो आपको जैसे वहाँ पे वो फ्यूल मिलता है देर। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, जैसे लव एस्पेक्ट की, लव प्रेम के पहलू की बात करें। थैंक यू दीदी आपके आंसर के लिए, बहुत बहुत सही आपने उत्तर दिया। एक सवाल और हम लेंगे चैट से, सवाल है किसने पूछा है। तो अगर आत्मा जैसे प्योर नहीं है, पावन नहीं है, तो हम आत्मिक स्थिति क्या हमारी इमेजिनेशन है क्या? दीदी कहते नहीं। तो भगवान ने जो लाइट हमारे अंदर जो जलाई है ज्ञान के द्वारा, उसका अनुभव करते हैं, उसका हम एक्सपीरियंस करते हैं। जितना ज़्यादा हम आत्माभिमानी हैं, उतना आसान हो जाता है उस स्मृति में रहना। और हाल ही में दो मुरलियों में लगातार ये बात है, साकार मुरलियों में बाबा ने कहा, पहले आत्मिक स्थिति, दूसरा है भगवान का प्यार अनुभव करो, और फिर तीसरा है बाबा की श्रीमत फॉलो करो। अगर आप ये चीज़ें लगातार करते रहोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। थैंक यू, कितनी अच्छी बात, भगवान का प्यार अनुभव कर, सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति, भगवान का प्यार का अनुभव करो और श्रीमत फॉलो करो। दो मुरलियों में लगातार ये बात है, बाबा कैसे अंडरलाइन करवा रहे तीन स्टेप्स को, आत्मिक स्थिति, बाबा का प्यार और श्रीमत फॉलो करो। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी का, ओम शांति।